और हेलो हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। आ रही हाँ हाँ ठीक है। मैं झारखंड में यहाँ पर एजुकेशन प्रोग्राम को लीड कर रहा हूँ, और जिस तरह से आप हमारे साथी सर जुड़ेंगे, वैसे ही कई साथी हम आ रहे हैं। उन सभी के साथ वो भी कोचिंग चलाते हैं, सेंटर्स चलाते हैं, तो उनका ट्रेनिंग देना, उन लोगों को कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे क्लास मैनेजमेंट हो, उन सब चीज़ों को एक टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए मैं अभी जुड़ के चाइल्ड के साथ काम कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूँ, और धन्यवाद पुनः कत्यानी सर, देवासी सर को ये मौका मुझे प्रदान किया गया। बिल्कुल सर, स्वागत है पुनः आपका। और विषय की ओर आप बढ़ें और हम लोग आपसे सीखते चलेंगे। तो हम लोग जैसे कि शुरुआत करते हैं गतिविधि से, हमारे और भी साथी हैं, एक बार उन सभी साथी का एक इंट्रोडक्शन हो जाए तो मैं भी थोड़ा जान लूंगा, और इसको आगे फिर हम लोग बढ़ाएंगे। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं उनका। सभी लोगों से अनुरोध है एक एक करके अपने बारे में बता दें कि आप कहाँ से हैं कम से कम। और थान सिंह जी। हाँ सर, नमस्ते सर। मेरा नमस्ते। नाम थान नमस्कार। सिंह हाँ मेरा नाम थान सिंह मांडे सर। मैं अभनपुर ब्लॉक से हूँ, और विगत 10 महीने से मैं इस कार्यशाला में जुड़ा हूँ, और मुझे टीचर शिक्षक के प्रति रुचि है सर, लगन है जी। अच्छा, ठीक सर। ताम्रध्वज जी। ताम्रध्वज जी, ताम्रध्वज साहू जी। जी सर। एक छोटा इंट्रोडक्शन दे देंगे। जी सर, छोटा सा। जी, मेरा नाम ताम्रध्वज साहू है। मैं रायपुर जिले के छोटे से गांव चंपारण का निवासी हूं, और अभी बीएससी का पढ़ाई चल रहा है। साथ ही साथ मैं इस संस्था से भी जुड़ा हूं, और लगभग मुझे 3-4 महीने हुआ है जी। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। अंकिता जी। अंकिता जी, दो शब्द आप बता दें परिचय का। ठीक है सर, शायद समय भी हम लोग का काफी निकल जाएगा, तो हम लोग क्या करके बीच में जब बात करेंगे तो जानते चले जाएंगे, समय भी उतना नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल सेशन बिल्कुल शुरू सर, करते हैं बिल्कुल और बिल्कुल। सभी का पार्टिसिपेशन उसमें हो। तो जैसे कि हम अगर बात करते हैं बच्चों को पढ़ाने की कोचिंग सेंटर में, तो खासकर सबसे मुख्य चीज है कि क्लास को हम कितना रोचक बना सकते हैं। बच्चे क्लास में आने के लिए उत्सुक हो, बल्कि क्लास छोड़े नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि हम जो पढ़ाते हैं उस माध्यम को मतलब चेंज करना पड़ेगा। और जो रोचक गतिविधि की बात कर रहे हैं वो है कि खेल खेल की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, और बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो उनके साथ हम क्या करेंगे कि खेल खेल की गतिविधि करेंगे, और उस खेल की गतिविधि में ऐसी गतिविधि का चयन करेंगे जिसमें बच्चे सीख सके, उनका लर्निंग इम्प्रूवमेंट उसी साथ हो। सोच रहे खेल रहे हैं, लेकिन उसका शिक्षा का जो स्तर है उसी खेल खेल के माध्यम से बढ़ता जाए, और धीरे धीरे वह किताब की ओर आगे बढ़ता जाएगा। तो उसी प्रकार की कुछ गतिविधियों को लेके हम लोग काम करेंगे। खासकर हमने देखा है कि अगर कोई शिक्षक बच्चों को काफी रोचक तरीके से पढ़ाता है, कुछ स्टोरी के माध्यम से, कुछ खेल के माध्यम से, तो जहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस है गाँव में जहाँ हम लोगों के सेंटर्स चलते हैं, तो उन बच्चों का जो अच्छे तरह से पढ़ाना खेल के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से जब होती है, तो बच्चों का जो परफॉर्मेंस
होता है ना, बहुत बच्चे की ड्रॉप आउट हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जब इस तरह की पढ़ाई उसके साथ होती है तो बच्चा जो है वो इरेगुलर से नहीं ज्यादा रेगुलर फिर होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे रेगुलर क्लासेस में आते हैं, उनको लगता है कि कुछ हम खेलेंगे, कुछ हम सीखेंगे। तो उसी प्रकार की गतिविधि को लेकर आज हम लोग कुछ बात करेंगे, और खास करके पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें हिंदी भाषा को लेके जाएंगे और गणित को कुछ दो तीन एक्टिविटी लेंगे, और इंग्लिश में हम लोग दो तीन गतिविधि को लेंगे जो खेल खेल की गतिविधियां हैं। तो इस गतिविधि में हम लोग पहले शुरू करते हैं कि जब भी कोई क्लास शुरू करते हैं तो उस क्लास को कैसे हम उसके माहौल उसके वातावरण को अच्छा बना सके, ताकि बच्चे का माहौल जो है खुशनुमा होना बहुत जरूरी है। तो उस क्लास को शुरू करने से पहले हमें बच्चों के साथ बातचीत करना चाहिए, जाके ना कि तुरंत हम बोर्ड पे खड़े हो जाएं बच्चे को पढ़ाने के लिए बोल दें, बच्चे को और पढ़ने के लिए तुरंत बोल देंगे तो वो बच्चा कुछ देर पढ़ेगा लेकिन बाद में क्या होता है कि वो बच्चे बोर हो जाते हैं, वो बच्चे फिर उस चीज को और ध्यान देते नहीं। तो मुझे क्या करना है कि फर्स्ट जाके पहले सेशन शुरू करेंगे, उससे पहले बच्चे से बातचीत करना, और बातचीत करने जब हम करेंगे तो वो आए जब स्कूल में तो विद्यालय आने से रास्ते में उसने क्या क्या देखा, क्या कुछ देखा, इस तरह की बातें उससे हम शुरू करेंगे तो बच्चा का एक माहौल वातावरण बन जाएगा। और हो सकता है कि हम क्लास में आए बच्चे आए तो एक और बात होती है कि ये बातचीत, दूसरा चीज है कि हम बच्चों के साथ कुछ एक्शन सॉन्ग कर सकते हैं, कुछ गीत हम कर सकते हैं क्लास शुरू करने से पहले, तो बच्चों का माहौल जो है जो काफी अच्छा बन जाता है, और वो फिर आगे जो चीज हम करेंगे उसको काफी अच्छे तरीके से देखेगा, उसको सीखने की प्रयास करेगा। तो उसको पहले हमें माहौल उस तरह से बनाना पड़ेगा कुछ गीत के माध्यम से। तो शायद इस प्रकार का कुछ गीत अगर आप लोगों के पास है तो उससे शुरू कर सकते हैं। हमारे पास एक गीत है, अगर सबको एक बार वीडियो में आ जाए तो शायद मैं उस गीत को भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जो आप लोग चाहे तो उसको अपने क्लास में यूज कर सकते हैं। छोटा सा क ख ग घ हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो क ख ग घ जो हम पढ़ाते हैं क ख ग घ, अगर क ख ग घ में जो हमारे बिगनर्स बच्चे होते हैं, बिगनर्स इन द सेंस कि जो बच्चे शुरू कर रहे हैं जिनको पूरी तरह से क ख ग घ ज्ञान तक पता नहीं है, वैसे बच्चों को और जो भी और भी बच्चे हैं सबको हम जोड़ के किस तरह से क ख ग घ को एक गीत के माध्यम से उसके साथ लाएं, ताकि बच्चे को अच्छा लगे, वो जो गुनगुनाते रहेगा हर पल में, एक दूसरे में चर्चा करेगा साथी में, तो उस गीत को वो गुनगुनाते गुनगुनाते और वो सीखने का प्रयास करेगा, सीखता भी जाएगा, काफी अच्छा लगेगा उसे। तो एक गीत है, अगर हमारे साथी और भी हमारे साथ दो रहे हैं तो उसको हम चाहेंगे एक बार करने का प्रयास करेंगे, ताकि वो हम कर सके और शेयर कर सके आपके साथ। देवाशीष सर बिल्कुल आप आगे चले, पीछे से हम लोग इसको लाउड माइक पे दोहराते हैं। जी सर, माइक से दोहराते हैं तो हम उसके साथ शेयर कर लेंगे, जिनको लगता है और किन के पास और भी गीत होगा तो अपने क्लास में शुरुआत जो है वो कुछ गीत के माध्यम से करें इस प्रकार के। तो मेरे पास कई चीजें गीत है, उसमें से एक मैं शेयर करता हूँ, तो हमारे साथ सभी बोलेंगे जो भी साथी हैं। एक है एक वातावरण को बनाने के लिए, जैसे क ख ग घ से हम लोग करते हैं, तो एक है कि क से कबूतर उड़ता है, ख से खरगोश दौड़ता है, से कबूतर खरगोश दौड़ता है। अब आज एक मिनट, हमको लगता है एक दो आदमी ही उसको दोहराए क्योंकि आवाज बहुत गूंजेगी, डिस्टर्बेंस भी आएगा, तो हम लोग आप ही दोहराए सर, कात्यायनी सर आप दोहराए। नहीं, हमारे ज्ञान दूर करे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा मैं सुना देता हूँ इसको, अगर किन्हीं को लगेगा तो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, किन्हीं को तो उसमें शेयर कर देंगे। जैसे इसी राम प्रसाद थोड़ा एक्शन में। जी सर, और सर सभी थोड़ा दिखते भी क्यों दिख नहीं रहे मुझे ना, तो तक खुद मैं दीवार के साथ ही कर रहा हूँ। नहीं यहाँ दिखते लोग नहीं है सर, यहाँ हम लोग बाकी लोग, क्योंकि कई सारे लोग गाँव देहात में है तो नेटवर्क की भी समस्या रहती है, तो वक्ता दिखता है तो क्षमा करेंगे, तो आपको ही ऐसे सारा चीज तुमको करना है। हाँ ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा दिखाता हूँ, उसी प्रकार से और भी लोग जो क्लास में हो तो करेंगे, और भी कई गीत है जिनको पता होगा जो हमारे टीचर है साथी है, तो एक मैं शेयर करता हूँ जो उसमें से एक गीत है, ऐसा भी है कि क ख ग सिखाते हैं तो क ख ग के लिए एक ये गीत है, जैसे क से कबूतर उड़ता है, ख से खरगोश दौड़ता है, उसके बाद घ से गाना गाते हैं, घ से घर बनाते हैं,
जैसे चरखा चलता है जैसे छाया पेड़ का, जैसे जहाज उड़ता है जैसे झरना बहती है, जैसे टमाटर लाल लाल जैसे ठंडी लगती है, जैसे डमरू बजाते हैं ढसे ढोलक बजाते हैं। तो इस प्रकार से यह गीत है सर, ऐसे ही इसको लंबा गाना है। बहुत बहुत ही सुंदर तो गीत है सर, बहुत ही सुंदर, और आपने इसको स्वर के साथ भी बहुत सुंदर बताया, और ये गीत हम लोग आपसे ले लेंगे, और बहुत ही सुंदर लगा मतलब सुनने में। तो ये थोड़ा एक्शन के साथ और राम बच्चे को खड़ा करके इसे ये गतिविधि मेरा सिर्फ होगा कि इससे कुछ लेटर के साथ कुछ गीतों तो यज्ञ तक है पूरा गीत, तो इस प्रकार से इसको हम लोग शेयर करेंगे, और ये जब बच्चे के साथ करेंगे तो फिर उसका माहौल काफी अच्छा बन जाता है, और बच्चे पढ़ने के लिए फिर आगे जो क्लासेस लेंगे उसमें वो फिर आगे आके उनके क्लासेस करते हैं। दूसरा एक गतिविधि इसमें हम कर सकते हैं, बच्चे जो अभी हम बात कर रहे हैं जो बच्चे लेटर लेवल के हैं जो अक्षर सीख रहे हैं, फिर आगे हम बात करेंगे जो हमारे बच्चे शब्द लेवल के हैं वैसे बच्चों के साथ हम क्या गतिविधि हिंदी में करेंगे ताकि बच्चे उसमें रुचि लेंगे। इसमें एक है मेरा कि लेटर कार्ड हमारे पास TLM होना बहुत जरूरी है, अगर किसी क्लास में बच्चों को हम ज्यादा पार्टिसिपेशन कराना चाहते हैं तो हमारे पास TLM होना बहुत जरूरी है, और वो विभिन्न तरह का TLM टीचर खुद से ना बना के ले जाएं, जब TLM बनाना हो तो उन TLM को उन बच्चों के साथ मिलके बनाएं ताकि बच्चों की भागीदारी हो और वो समझे कि क्या चीजों को बनाया जा रहा है। तो उसमें कुछ TLM जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो हम लोग कखा की बात कर रहे हैं तो ये कखा कखा की इस तरह TLM हमारे पास रहेगा, लेटर कार्ड बना हुआ ऐसा ये बना हुआ रहेगा इस प्रकार का लेटर कार्ड। तो ये लेटर कार्ड को हम क्या करेंगे कि जहां बच्चे हमारे यू आकार में बैठेंगे और शिक्षक अगर अच्छा हो, अगर जमीन पर बैठ सकते हैं तो काफी बेहतर है बच्चों को सिखाने के लिए, और बच्चों का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, उनको दिखाई देता अच्छी तरह से। तो जमीन पे हम इसको जहाँ शिक्षक बैठे हुए हैं वहां पर इसको इस प्रकार से सारे अक्षर कार्ड को सजा देंगे, और सजाने के बाद रख देंगे, और वहां अपने क्लास में जो बच्चे हैं वहां पर उसको दो ग्रुप में बांट देंगे। चलिए आप लोग दो ग्रुप में आते हैं और देखते हैं कौन ग्रुप का बच्चा आके जो आएगा वो जल्दी से जिस अक्षर को हम बोलेंगे उस अक्षर को वो उठाएगा। तो जब इस गतिविधि को करेंगे आप तो हम दो ग्रुप में बांटेंगे और बुलाएंगे, इस ग्रुप से ग्रुप का एक नाम दे देंगे, बच्चे स्वर्ण से उस ग्रुप का नाम चुना, और इस ग्रुप का जो नाम है वो बच्चे स्वर्ण से चुनेंगे ताकि वो नाम काफी रोचक लगता है। उसमें हम सुझाव भी दे सकते हैं कि आप क्या क्रिकेट देखते हैं, क्या कौन सा खिलाड़ी पसंद है उस खिलाड़ी का नाम से उसका ग्रुप बना दिए, कोई सिनेमा देखते हैं तो कोई हीरो पसंद है उस हीरो के नाम से ग्रुप बना दिए, तो काफी उन लोगों को अच्छा लगता है ये इसका नाम रखिए या नाम रखिए। तो वैसे दो ग्रुप हम क्रिएट करेंगे और दो ग्रुप से हम बच्चों को बुलाएंगे कि चलो यहाँ से राजू आ जाओ, यहाँ से गीता आ जाओ, अब हम दोनों दोनों तरफ खड़े हो जाएंगे और या बैठ जाएंगे, बीच में मेरा ये लेटर कार्ड बिछा हुआ रहेगा, इस प्रकार से लेटर कार्ड रखा हुआ रहेगा। सारे टीचर्स का काम है एक लेटर का नाम बोलेंगे और उसका मार्किंग करना कि कौन सा ग्रुप पहले एक राउंड में सही कार्ड को उठा पाया। सपोज कि टीचर बोलता है माँ, तो माँ को उतना कार्ड में बच्चे बहुत जल्दी दोनों में झपटी होता है, जल्दी से कौन देखेगा, तो उस कार्ड को जो निकाल लिया पहले उसको हम एक नंबर देंगे उस ग्रुप को, जो नहीं बना पाया फिर उस तरह से हम हर एक बच्चे को बुलाएंगे, हर ग्रुप से इसको हम करते जाएंगे। तो खासकर हम ध्यान देंगे इसमें जो लेटर लेवल के बच्चे हैं वैसे बच्चे को हम ज्यादा इसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि उनमें एक है कि लेटर रिकॉग्निशन, जो लेटर कौन सा है अक्षर की पहचान बच्चे कर पाएंगे सीख पाएंगे उससे, और इस कार्ड के पीछे अगर आप लिख पाए तो उस लेटर से एक वर्ड लिख सकते हैं, कोई एक शब्द बना सकते हैं पीछे में, जब वो लेटर का उठाता है तो उस लेटर के पीछे एक वर्ड हो, उस वर्ड को वो पढ़ के सुनाएगा, इस प्रकार से उस लेटर को वो चयन करेगा। तो एक ये गतिविधि है बच्चों के साथ, इसमें बच्चे काफी मजा लेते हैं, और जब प्रैक्टिकली कीजिएगा तो देखिएगा वो लोग काफी जल्दी ढूंढा ढूंढी करते हैं कौन लेंगे जल्दी से, तो ये काफी मजेदार गतिविधि है बच्चों के साथ करने के लिए अक्षर के माध्यम से कि बच्चा कैसे इसको करेगा, और काफी लर्निंग भी इससे होती है बच्चों की लेटर अक्षर पहचानने के लिए। इसमें से किसी को कोई पूछना हो जानना हो
हमारे साथी। नहीं सर, इसमें तो हम लोगों ने ऑलरेडी लेटर कार्ड्स काफी साथियों तक पहुंचा दिया है, कुछ साथी तक नहीं पहुंचा है। हमारी उपस्थिति भी आज थोड़ी कम है, और कुछ हमारे जैसे हमारे कुछ ज्ञानदूत है जिन्होंने इस कार्य इस प्रयोग को किया भी अपने यहाँ, उसका वीडियो वगैरह भेजा है, तो बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट आता है। और मुझे लगता है कि इससे लर्निंग बड़ी फास्ट होगी और बच्चे के अंदर एक इंक्वायरी चलता रहेगा, चलो आज सारे शब्द नहीं देखे तो अगले दिन और खोजता हूँ, तो खोजने की प्रवृत्ति, शब्दों को खोजने की पहचानने की प्रवृत्ति का मजबूत मजबूत होती चली जाएंगी। तो अच्छी गतिविधि है सर। जी सर, अब इसी में एक और जुड़ा हुआ है अक्षर से कि इसी गतिविधि को हम एक नाम दिए कि हवा चल रही है, हवा चल रही है। इस गतिविधि में सभी बच्चे को एक एक लेटर कार्ड हम दे देंगे और एक गोले कार क्लासरूम में गोला कार बना के खड़ा कर देंगे, और टीचर का एक्शन रहेगा ऐसे कि हवा चल रही है, हवा चल रही है। बच्चे बोलेंगे कहाँ चल रही है, कहाँ चल रही है। शिक्षक किसी एक लेटर का नाम बोलेंगे कि ब पे चल रही है, ब पे चल रही है। तो वो ब वाला जो उसके पास कार्ड होगा वो बच्चा आएगा और ब से एक शब्द बोलेगा कि ब मेरे मैं हूँ ब, और ब से एक शब्द बोल के जाएगा। इसी प्रकार से हर एक किसी एक लेटर का नाम लेंगे शिक्षक, और वो जो बच्चे हैं वो वहां से आके बोलेंगे, उस लेटर से एक शब्द बताएंगे वो। तो एक ये गतिविधि है, और एक है जिसमें से कई गतिविधि है, इसमें से कुछ भी गतिविधियां बता रहा हूँ। एक है कि एक नाम दिया गया है नाग राजा क्या खाता, नाग राजा क्या खाता, वो उसमें हम कुछ एक ड्राइंग बनाएंगे बोर्ड पर। अगर हम बोर्ड पर एक ड्राइंग बनाते हैं, सपोज दैट कि ऐसा हम एक बोर्ड पर एक नाग राजा का हम ड्राइंग बनाते हैं, एक सांप का हम ड्राइंग बनाते हैं, इसको अच्छे से बना लेंगे सभी कोई, बस मैं दिखाने के लिए बना रहा हूँ इस तरह से। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे हम घेर देंगे, इस प्रकार से इसको हम घेर देंगे। अब कुछ कुछ जगह पे हम यहाँ क लिख दिए, यहाँ ग लिख दिए, एक एक जहां पर भरना है उसी जगह को हम छोड़ देंगे, और हम का जो है क से गया तक उसे लिखे हम बीच बीच में खाली छोड़ देंगे। और बच्चों को हम बोलेंगे कि ये जो नाग है, ये नाग राजा क्या खाता, ये नाग राजा अक्षर खाता है। तो चलो इसने कुछ कुछ अक्षर को खा लिया है, उसके बाद ये कौन कौन सा अक्षर खाएगा वहां पर जाके हम लोगों को खिलाना है। तो बच्चे जाएंगे, उससे हम बोलेंगे चलो यहाँ पर इसको पेट भरना है, यहाँ पर कौन सा अक्षर खाएगा, तो बच्चे उसको काउंट करते हैं क ग घ, यहाँ पर ये अक्षर खाएगा। इस प्रकार से बच्चे को पढ़ के थोड़ा चित्र को और नजदीक कैमरा के नजदीक लाके दिखा दो, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, थोड़ा सा और नजदीक करो। हाँ ऐसा है, और इसमें जो है बीच बीच में हम ये बना देंगे, इसको यहाँ ऐसे घेर देंगे, कुछ कुछ घर बना देंगे घर टाइप का, सांप को जैसे होता है ना उस तरह से। और यहाँ पर हम अक्षर लिखेंगे, कुछ कुछ अक्षर हम ब्लैंक छोड़ देंगे जो बच्चों को फील करना है, और टीचर वहां बोलेंगे यहाँ पर अगर नागू को पेट भरना है तो कौन सा अक्षर खाएगा, तो जाके बच्चा उस अक्षर को लिखेगा। फिर हम दूसरे बच्चों को बुलाएंगे, तो इसमें बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट लेता है और जाके वो पढ़ के देखता है क ख ग घ यहाँ क्या आएगा, वैसे लिखता है। तो ये हो गया बच्चों का थोड़ा सा खेल से जोड़ने का और अक्षर को और थोड़ा समझने की बात जो हम लोग कर सकते हैं। अब अगला अगर हम ये अक्षर का है जो हम बात कर रहे हैं, इसको हम लोग अब हमारे क्लास में जब पढ़ाना जाएंगे क्लास 1-5 के बच्चों को, तो होता क्या है कि उसमें कई लेवल के बच्चे होते हैं और हमें सभी बच्चों को मैनेज करना पड़ता है। अगर हम मेरा लेटर लेवल का है बच्चा, वर्ड लेवल का है, सेंटेंस का है, स्टोरी लेवल का है, अगर वैसे बच्चे क्लास में है और सबको मुझे पढ़ाना है, क्योंकि एक क्लास में कई लेवल के बच्चे होते हैं, तो उसके लिए मुझे जो शिक्षक है उनको जरूरी है, पहले जब उनका असेसमेंट होता है तो उनको भाप
लेना जब पढ़ाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि मेरे कौन कौन से बच्चे किस स्तर के हैं, तो वैसे बच्चों को हम देखेंगे, ग्रुप बनेगा और वैसे सभी बच्चों को एक किस प्रकार की गतिविधि हो जिसमें हम सबका इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ गतिविधि मुझे रखना पड़ेगा ताकि दूसरा बच्चा जो हायर लेवल का है वो बोर नहीं हो। उसके लिए हम एक गतिविधि जैसे हम लोगों का है दिमागी कसरत। दिमागी कसरत है कि जो हमने अभी अक्षर सीखा, इन सभी अक्षर को अगर हम इससे कुछ शब्द बनेगा और शब्द से कुछ वाक्य बनेगा, तो इसमें क्या है कि सारे बच्चे की भागीदारी इसमें बनी रहेगी। सपोज हम लोग बात करते हैं, जैसे कि एक ये मेरा ब्लैक बोर्ड पर जब शिक्षक जाएगा तो शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर जाने के बाद कोई एक अक्षर लिखता है, सपोज वो लिखता है माँ, ऐसे माँ लिखता है, और अगर बच्चे से पूछ के चलो बच्चा आज हम बात करते हैं कोई एक अक्षर बताओ, तो बच्चे से भी आ सकता है शिक्षक पहले शुरू में एक अक्षर दें। अब इसको बोले कि चलो ये हमने एक अक्षर लिखा, क्या लिखा है, बच्चे से पूछेंगे, सभी बच्चे बोले माँ। अब इस अक्षर को हम क्या करें, चलिए घेर देते हैं, शिक्षक बच्चों से बातचीत करते रहे, गतिविधि में खुद ना डूब जाए, जो वो करे तो बच्चों से बात करते रहे। ये हमने क्या लिखा, माँ लिखा, अब माँ को हमने चलो इसे घेर दिया। अब क्या करना है कि हमें इस माँ से कुछ शब्द बनाने हैं, शब्द बनाने हैं मुझे, तो शिक्षक एक एग्जाम्पल लिख के देंगे, उसके बाद बच्चे इसको समझ जाएंगे, तब बच्चों की भागीदारी इसमें होगी। अगर माँ लिखे हैं तो माँ से क्या होता है, कोई बच्चा बोला मछली, तो उसने शिक्षक ने यहाँ पे मछली लिख दिया ऐसे। अब शिक्षक बोलेगा चलो इस गतिविधि को हम आगे बढ़ाते हैं, और हम बच्चों जिस जिसको बुलाएंगे वो आके यहाँ पर एक एक शब्द लिखता जाएगा माँ से शुरू होने वाला, तो जितने बच्चे इसमें आएंगे वो यहाँ से लिखते हैं, कोई आके माँ से लिखता है माला, कोई माँ से लिखता है मन, तो इस तरह से कोई लिखता है मोती, तो इसमें क्या होता है कि इस लेटर से बहुत सारे शब्द बनते हैं और बच्चे इसमें और दिमाग छोड़ते हैं कि और माँ से क्या शब्द होगा और माँ से क्या होगा, तो उसमें क्या है कि उनकी सोचने की क्षमता का विकास भी होता है, नए नए वर्ड सीखते हैं, वर्ल्ड बिल्डिंग वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन उन्हें बनती है, वो सीखते हैं, इसमें इस गतिविधि में ये विकास होता है। लेटर लेवल और वर्ड लेवल के बच्चे इसमें आते हैं, अगर हमें आप लेटर लेवल के बच्चों को इसमें जोड़ना है तो चलो बताओ यहाँ पर कि माँ कहाँ कहाँ पर आया है, उसमें घेरा लगा, तो लेटर लेवल के जो बच्चे हैं वो आके यहाँ पर घेरा लगाएगा, ल कहाँ कहाँ पर है, ल में घेरा लगा, तो जिन जिन शब्द मेरा ल आया उसमें ल में आके घेरा लगाएगा, तो उसमें क्या है कि लेटर लेवल के बच्चे की भागीदारी हो रही है, वो अक्षरों को पहचान रहा है, वर्ड लेवल की भागीदारी है कि वो बच्चे यहाँ पर लेटर से वर्ड बना रहे हैं और नए नए वर्ड सीख रहे हैं। अब मुझे इसी गतिविधि से हमारे क्लास में और भी बच्चे हैं जो वाक्य लेवल के बच्चे हैं, तो वैसे बच्चों को हम कहे जोड़े, अब चलिए हम इसमें से 5 या 6 या 10 शब्द लेते हैं और बोलेंगे जो मेरे वाक्य लेवल के बच्चे हैं वो सभी आके यहाँ पर और इससे कुछ हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, चलो माँ से एक वाक्य बनाते हैं, उसको लिखते हैं, तो वैसे जो सेंटेंस लेवल के बच्चे हैं उनकी भागीदारी होगी इस वाक्य को बनाने में। तो ये जो हम दिमागी कसरत की बात कर रहे हैं उसमें हमारे संपूर्ण क्लास की भागीदारी को इस गतिविधि में हम एक साथ जोड़ सकते हैं, जो इस गतिविधि को क्लास में हम करते हैं। अब इस गतिविधि का करने का एक तरीका और है, ये तो हमने बड़े ग्रुप में किया क्लास में, अब इसे हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में बांट सकते हैं, हम 4 ग्रुप में 5-5 बच्चों को बांट दिए, तो छोटे छोटे ग्रुप में बांट के हम सभी को एक एक लेटर दे देते हैं और उनमें एक कंपटीशन करने की भावना से बोलते हैं चलो अब कौन ग्रुप ज्यादा वर्ड बनाएगा वो ग्रुप जीतेगा। हमें ध्यान भी देना है जब हम ग्रुप बना रहे हैं तो सभी ग्रुप में एक तेज बच्चा मेरा होना बहुत जरूरी है ताकि और सही बच्चों को वो सपोर्ट करते रहेंगे। और इस प्रकार से 4 या 5 ग्रुप देंगे और अलग अलग लेटर हम देंगे उन बच्चों को, तो वे सारे बच्चे उस लेटर से वर्ड बनाएंगे, चाहे वो जमीन पे हम चौक से करें या किसी चार्ट पेपर पे करें या फिर हम कॉपी में करें, किसी भी बच्चों की भागीदारी हो और उस तरह से कई सारे वर्ड बच्चे बनाएंगे। शिक्षक का काम रहेगा कि वे सभी ग्रुप में घूम घूम के उसको देखेंगे और जहां बच्चा अगर रुक गया है उससे वर्ड नहीं बन रहा तो शिक्षक वहां थोड़ा सपोर्ट करेंगे, उसे एक कोई सब उनको बता देंगे ताकि बच्चा आगे और बनना शुरू करे। तो इस प्रकार से इसको ग्रुप एक्टिविटी भी हम लोग भी ला सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में इसको तोड़ के कर सकते हैं और काफी बच्चे इससे नए नए शब्द सीखते हैं और हम हमेशा कोई ना कोई लेटर ले सकते हैं और बच्चों के साथ यह एक्टिविटी को कर सकते हैं जिसमें सबकी भागीदारी होती है।
इसमें और किन्हीं को कुछ पूछना है, कोई साथी अगर जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो अवश्य करेंगे, क्योंकि माने वन वे ट्रैफिक पे हम लोग ना चलें, ठीक है? तो किन्हीं को कुछ और भी लगता है, कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, तो उसमें जरूर अवश्य बताइए। किन्हीं का कोई सवाल? चलो आगे आगे बढ़ा चलते। चलिए, एक तो ये है, दूसरा चीज है कि हम लोग ये तो अक्षर शब्द वाक्य की बात कर रहे हैं, और क्लास में कहीं ना कहीं जब देखेंगे आप तो बच्चों को हमें थोड़ा और मनोरंजन करने तो खेल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, बच्चों को कहानी बहुत जरूरी है, वक्त चाहे किसी भी लेवल के बच्चों, उन बच्चों को कहानी सुनना काफी अच्छा लगता है, चाहे आप किताब से सुना रहे हो, ठीक है? तो कहानी सुनाने के भी कई सारे स्टेप है, उसको भी हमें जानना है, लेकिन अभी हम कुछ बात करते हैं मौखिक कहानी की बात करते हैं, कुछ हम पेपर कटिंग की बात करते हैं, पेपर पपेट्स की बात करते हैं, जिससे बच्चों को बताएंगे तो वो बच्चे कैसे सुनना चाहेगा। हमारे पास पपेट्स बना हुआ है तो काफी अच्छा है, उससे हम कुछ स्टोरी बच्चों को सिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर पपेट्स नहीं है तो हम क्या करेंगे कि क्लास में हम किसी भी चीजों पर, सपोज कि हम बात करते हैं, एक छोटा सा हम पेपर कटिंग वाला बताते हैं, इस प्रकार का पेज हम लेंगे कोई भी पेज को, और ऐसे पेज को हम, ये जो उंगली है मेरा, इस उंगली के साइज का हम मोड़ लेंगे, इस उंगली के साइज को माप नाप के हम इसको यहां से काट लेंगे, सपोज मैंने ऐसे काट लिया, अब इसको मैंने ऐसे उंगली के साइज से इस तरह से करके इसको मोड़ लिया, मोड़ के इसको मैं किसी गोंद से या किसी स्टेपलर से चिपका दूंगा। ये हम बात कर रहे हैं पेपर पपेट्स की बात, कि पेपर के माध्यम से कैसे हम बच्चों को कुछ कहानी सुना सकते हैं कुछ बना के। तो ये हम एक चीज बना लेते हैं, इसको हम स्टेपल मार देते हैं, ये देखिए ये मेरा हाथ में लग जा रहा है। अब इसको हम क्या करें कि एक छोटा सा हम गोल इस प्रकार से पेपर हम लें ऐसा, और कैंची अगर आपके पास हो तो इसे अच्छा से काटें आप, मैं बस दिखाने के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से इसको हम काट लेंगे इस तरह से, और इसको हम अब ऐसे लेके किसी गोंद सेलो टेप या स्टेपलर हो तो उससे हम इसको चिपका देंगे इस प्रकार से, ये मेरा उंगली में रहेगा। अब क्या है इस प्रकार से अगर मुझे एक कहानी पढ़े सोच रखने की, मुझे सुनाना क्या है, तो उसके आधार पर हम उस कैरेक्टर को इस तरह से तुरंत क्लास में बताने के लिए बात करें। आपके पास अगर टाइम है तब घर में इस पर वर्क करें और अच्छे से बना के लाएं और बच्चों के बीच करें, और बच्चे से बाद में ऐसा करवाने की प्रयास करेंगे। तो मैं एक छोटा सा बस आपको दिखाना चाहूंगा इसका एक क्लिप, कैसे हम लोग करेंगे इसको, एक छोटा सा स्टोरी, एक ऐसा मैं बनाया, ऐसा एक और बनाता हूँ मैं, ये 5 मिनट और समय बचा है, कटने के उपरांत फिर से उसी लिंक पे क्लिक करके हम लोग फिर से जुड़ जाएंगे। फर्स्ट सेशन 5 मिनट बचा है, फर्स्ट सेशन का 5 मिनट और बचा है टाइम,
अगर कटते हैं तो फिर से उसी लिंक पे हम लोग क्लिक करके फिर से जुड़ जाएंगे, ठीक है? तो मैं जल्दी से 5 मिनट से कर लेता हूँ। अगर हम क्लास में कुछ बनाते हैं तो समय कम है, जल्दी हम लोग करते हैं, ऐसा हम एक बना लेंगे कुछ इस प्रकार का, और हम उसे बच्चों को बता सकते हैं। जैसे ये बनाना चाह रहे थे, इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, टाइम कम है, जब आप बनाएंगे अच्छे से ड्रॉ करेंगे, इसको उंगली में ऐसे मेरा फंस जाए, ये मेरा है कि दूसरी उंगली में मेरा फंस जाए और कैरेक्टर मुझे क्लियर हो, ये कैरेक्टर है और ये इस प्रकार से मेरा उंगली में कैरेक्टर को हम फंसा लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा कुछ पर्दे या चार्ट पेपर से ऐसे हम रखें जब हम इसको प्ले करेंगे। तब अगर हम जब बात करेंगे तो अभी हमारा शिक्षक का रोल नहीं है, तो ऐसे हम एक प्लेस थोड़ा सा करते हैं। मान लीजिए कि ये माँ है, ये बेटी है, एक और कैरेक्टर रहेगा मेरा यहाँ पर, यही मान लीजिए भी बेटा है, तो अभी माँ का कैरेक्टर नहीं है, ये माँ और बेटी है, और जब इसको हम प्ले करेंगे इस तरह से तो बच्चे को वहाँ पर दोनों खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं, बेटी हाँ हाँ दोनों लोग, तो अभी माँ का आवाज आता है, इसका नाम है पिंकी, इसका नाम है राजू, तो राजू पिंकी दोनों खेल रहे हैं, माँ का आवाज आता है, इसकी माँ आती है, राजू हाँ मम्मी, पिंकी हाँ आज स्कूल नहीं जाओगे, हाँ मम्मी जाएंगे, पिंकी हाँ मम्मी, बेटा आज तुम स्कूल नहीं जाना, आज घर में कुछ काम है, नहीं मम्मी हम तो स्कूल जाते हैं आज, नहीं नहीं आज घर में कुछ काम है तुम स्कूल नहीं जाना, राजू हाँ मम्मी तुम आज स्कूल जाना, ठीक है मम्मी, तो राजू स्कूल जाते हैं, शिक्षक राजू हाँ सर आज तुम्हारी बहन नहीं आई, नहीं सर घर में कुछ काम था इसीलिए वो नहीं आई, अच्छा ठीक है, तो वो तो पढ़ने में अच्छी थी जी क्यों नहीं आई, अच्छा आज हम गांव तरफ जा रहे हैं तो आपकी मम्मी से ही मिलेंगे हम बात करेंगे, ठीक है सर, शिक्षक पिंकी पिंकी हाँ मास्टर साहब पिंकी तो घर पर नहीं है, थोड़ा बकरी लेके गई है चराने के लिए, अरे आपने इसको स्कूल क्यों नहीं भेजा, घर पर काम था मास्टर साहब इसीलिए मैंने स्कूल उसको नहीं भेजा, अच्छा अरे पढ़ने में तेज है और आप नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे होगा, आप भी क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी बैंक में जाकर किसी से बोले कि मेरा फॉर्म भर दो और भी काम में जाए कुछ पढ़ने, ऐसा चाहती हैं क्या बनना, आपकी बेटी को बनाना चाहती है, नहीं सर ऐसा नहीं बनना चाहती मैं, तो बच्ची को आप स्कूल भेजिए ना, पढ़ने में अच्छी है और आगे बढ़ेगी कुछ करेगी, ठीक है सर मैं उसको स्कूल भेजूंगी, ठीक है। अगला दिन जब जाता है ये पिंकी राजू, उसकी मम्मी बोल रही है पिंकी पिंकी हाँ मम्मी राजू हाँ तुम लोग दोनों तैयार हो जाओ और स्कूल जाओ, अच्छा पिंकी बहुत खुश, चलो आज हम स्कूल जाएंगे, दोनों भाई बहन स्कूल जाने लगते हैं। तो इस तरह से हम लोग जब पर्दे के मैं दिखा रहा हूँ जिसको पर्दे के पीछे करेंगे और जब इस तरह कैरेक्टर हम प्ले करेंगे दोनों हाथों से तो वो कैरेक्टर काफी अच्छा लगता है और बच्चों को वो स्टोरी
सीखने को मिलता है, सिर्फ पूरा पर्दे के पीछे हाथ पपेट शो करेंगे, पेपर से अच्छी तरह से बना के हम करेंगे, पपेट शो कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने जस्ट दिखाने के लिए इसको जल्दी जल्दी बनाया, लेकिन ऐसे हम लोग का प्रिपरेशन जो है क्लास में जाने से पूर्व बच्चों के साथ बैठ के एक दिन पूर्व हमें क्या कहानी सुनानी है उस चीज को लेके हम बना सकते हैं। और एक हेलो हेलो आवाज आ रही है सर? हाँ ठीक है। अरे जी प्रस्तुत करें उस तरह से बच्चों को दिखाएं, ताकि बच्चे काफी मजा लेते हैं पूरी कहानी के साथ। तो बच्चों को एक मौखिक कहानी ऐसे जरूर प्रश्न करना पूछना, और फिर बाद में बच्चों के द्वारा ही इस प्रकार के कुछ कहानी को बना के और प्ले करवाना, जो बच्चे काफी मजा लेते हैं अपने क्लास में आने। तो इसमें और कुछ आप लोग चाहते हैं कि कैसे कर रहे हैं, अगर किसी को लगता नहीं इस प्रकार से आप कर रहे हैं तो थोड़ा बता सकते हैं, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अपनी बातों को। हेलो सर, बहुत अच्छी गतिविधि। इस कहानी के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ मतलब इंटरेस्ट लेके सीखेंगे। बच्चे जैसे बोर हो जाते हैं अपनी कक्षा में, तो ऐसे बताने पे वो थोड़ी देर बैठेंगे और इन सब गतिविधियों से बहुत कुछ सीखेंगे, जी एंजॉय करेंगे अपनी कक्षा को। जी तो हमें कहानी कुछ इस प्रकार से मिलाना होगा, उसका स्टेप कुछ पढ़ाने का है, कुछ हट के हमें पपेट शो वगैरह के माध्यम से भी स्टोरी टेलिंग को अपने सेंटर में लाना होगा। कुछ प्रस्तुत करें, वो रोल प्ले करें कहानी को रोल प्ले के माध्यम से, तो ज्यादा मनोरंजन व क्लास में दिखेगा और उस रोचक गतिविधि के माध्यम से बच्चे जुड़ेंगे। तो ये भाषा में जो हम बात करना चाहती कुछ गणित की खेल को लेकर, जो शायद आप खेल हम लोग और एक दो खेल उसमें जोड़ेंगे पर हम लोग कुछ चलिए। गणित में हम लोग जब सिखाते हैं तो आप सभी को सिखाते होंगे, शायद कुछ गतिविधि आप लोग कर रहे हैं, तो एक दो गतिविधि मैं उसमें शेयर करता हूँ कि कुछ और चीजें जो बच्चे से जुड़ी होती हैं। ये बच्चे जब क्लास में हम गणित पढ़ा रहे हैं तो एक दो तीन चार की गिनती जो होती है बच्चे को पढ़ाते हैं, तो बच्चे तो एक दो तीन चार पाँच छः जब पढ़ाते हैं तो बच्चे हमारे साथ बोलते हैं, उसमें कई इंस्ट्रक्शन है, जब हम गिनती पढ़ा रहे हों तो मेरा उंगली हर उस नंबर पे होना चाहिए, बच्चे को स्पष्ट दिखना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण में हो और बच्चे ध्यान से सुने, वैसे हम पढ़ाते हैं तो बच्चे पढ़ते भी हैं उस तरह से। ये कुछ कुछ चीजें जो हम खेल के माध्यम से करना चाहते हैं। कई चीजें होती हैं कि बच्चे गोटी खेलना बहुत पसंद करते हैं, गोटी खेलते हैं, ये करते हैं, बोर क्लास में बहुत बोर लगता है, वो लोग गोटी उटी खेलते हैं, देखते हैं ना ऐसा लगे गोटी गिराते हैं कहाँ पर गिरा, इस तरह से खेलते हैं। तो कुछ कुछ गतिविधि हम लोग अगर देखें तो बच्चे को क्यों ना उस गोटी से ही कुछ हम चीज जोड़ दें। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक गतिविधि करते हैं कि हम लोग जमीन पर कुछ सर्कल टाइप का बनाते हैं थोड़ा बड़ा, जैसे सपोज कि हमने यहाँ पर कुछ सर्कल दिखा रहे हैं आपको, इस प्रकार से कुछ हम जमीन पर बना लेंगे और नंबर लिख लेंगे वहां पे,
पर बच्चों को बोलेंगे जब गोटी खेलना पसंद करते हैं, ठीक है चल हम लोग गोटी ही खेलते हैं, क्योंकि वे क्लास में बोर हो जाते हैं, कुछ गोटी वोटी भी खेलने लगते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं, तो हम लोग बोले चलो हम लोग आज आप लोग गोटी खेलते हैं, हम लोग गोटी ही खेलते हैं। और उन लोगों के पास कुछ गोटियां हम तीन चार लेंगे और तीन चार गोटी जमीन पर जब बनाएंगे, चलो हम लोग गोटी को ऐसे करके और गिराते हैं। जब बच्चे गोटी को इस नंबर पे गिराते हैं तो उनसे हर बच्चे को हमसे कुछ रूल्स है, बच्चों को बोलेंगे कि इसमें हम तीन ग्रुप चार ग्रुप बनाएंगे और चार ग्रुप में तीन तीन मौका मिलेगा किसको ज्यादा नंबर आता है। तो एक ग्रुप से आएंगे तीन बार मौका मिलेगा, इस ग्रुप से आएंगे उसको तीन बार मौका मिलेगा। तो उस गोटी को वो जब गिराएंगे तो उसमें से कुछ कुछ नंबर पे गोटी आएगा, इस प्रकार के कुछ कुछ नंबर पे वो गोटी गिरा। ये मेरा है क्लास जो एक से नौ तक जो नंबर जानते हैं, टोटल एक से सौ तक गिनती नहीं जानते, वैसे बच्चों के लिए हम एक से नौ तक में ही ये अंक लेंगे, वैसे बच्चों के लिए है। तो उसको हम जोड़ेंगे किस पे गिरा तो बात करेंगे। अब है कि जो एक अंकों की जोड़ बच्चा जानता है, कुछ बच्चा नहीं जान रहा, वैसे बच्चों को भी ग्रुप मिल सकता है, इसमें क्या करते हैं तीन तीन बार लेगा तो इसका नंबर जो जो गोटी में आएगा उस नंबर को हर बार लिखेंगे। तीन गोटी गिरेगा, हो सकता है एक आठ में गिरा यहाँ आठ लिखेंगे, एक छह में गिरा हम एक छह लिखेंगे, एक पांच में गिरा एक पांच लिखेंगे, इस प्रकार से हम नंबर लिख देंगे। तीन बार में तीन नंबर लिखेंगे, दूसरा ग्रुप आएगा वो अपना तीन बार गिराएगा और कोई जिस में गिरेगा उस नंबर को लिखाएगा, और वैसे ही वो जोड़ का लिखेगा। अब जोड़ सबको जोड़ेंगे, जिसका जो हर का जोड़ देखेंगे दोनों ग्रुप का, जिसका जोड़ का संख्या ज्यादा आएगा वो ग्रुप विनर होगा। लेकिन इसमें एक शर्त होगा कि जिसका जोड़ गलत हो जाएगा वो ग्रुप लेकिन हार जाएगा, तो इसमें ये नियम रहेगा। और जो बच्चे गोटी खेलते हैं या दूसरा तरह खेलना चाहते हैं तो गोटी के माध्यम से भी इसको हम अंकों की पहचान, सिंगल डिजिट का जोड़ इसको हम बता सकते हैं, जो काफी मनोरंजक होता है। और बच्चे गलती करना नहीं चाहते इसमें कि गलत है, देखो देखो गलत है क्या, फिर से देखो, वो बार बार जांचते हैं कि गलत है क्या जोड़, वो देखना चाहते हैं। तो एक ये हो गया जो हम सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं। दूसरा है इसमें हम जब बच्चे थोड़ा और जानने लगते हैं, ज्यादा दो संख्या का जोड़ सीख रहे हैं, थोड़ा हाथ हल्का सीख रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम बड़े बड़े संख्या लिख सकते हैं इन सब जगहों पर, जहाँ गिरता है वैसे लेके वो जोड़ बनाएंगे। उस प्रकार से हम लोग इस गतिविधि को बच्चों के साथ कर सकते हैं। जो बच्चे गोटी खेलना पसंद करते हैं उनके साथ ही इसको हम कहें जोड़ें जो मनोरंजक हो, तो ये गतिविधि है जो हम बच्चों के साथ जोड़ सकते हैं। ये इसमें कुछ जानना, कुछ क्वारी या कुछ लगता है कि और कुछ जोड़ा जाए आपको, आप कर रहे हैं इस तरह से ऑलरेडी? किन्हीं का कुछ जानना, कुछ पूछना हो? ओके, तो एक ये है बच्चों को इस प्रकार से कुछ बड़े बड़े नंबर से हम करवा सकते हैं इस बच्चों को। आगे हम इसमें बच्चे जब इस तरह की चीजों करते हैं तो कुछ कुछ हमें गणित में भी एक्शन सॉन्ग रखना पड़ता है, और उस एक्शन सॉन्ग के माध्यम से बच्चों को फिर हम थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए वैसे मुझे रखना पड़ेगा। तो कुछ एक्शन सॉन्ग रखते हैं, जैसे कि आज हम भोलू को गिनती सिखाएंगे, बच्चे बोलेंगे इसको, बच्चे आपके पीछे पीछे दोहराएंगे, इसका एक्शन सॉन्ग है। आज हम भोलू को गिनती सिखाएंगे, बोल भोलू एक तुम्हें ला दूंगा केक, थोड़ा तुम भी खाओगे थोड़ा हम भी खाएंगे। फिर आज हम भोलू को गिनती सिखाएंगे, बोल भोलू दो तुम्हें ला बोल भोलू दो मस्त होके सो, थोड़ा तुम भी सोओगे थोड़ा हम भी सोएंगे। तो जैसे इसका एक्शन करेंगे बच्चे आपके पीछे पीछे ऐसे एक्शन सॉन्ग करेंगे। फिर है एक दो, इसमें अगर आज हम भोलू को गिनती सिखाएंगे, बोल भोलू तीन तुम्हें ला दूंगा बीन, थोड़ा तुम भी बजाओगे थोड़ा हम भी बजाएंगे। इसी प्रकार से इसको हम पांच तक है इस तरह के कुछ कुछ हम एक्शन सॉन्ग बीच में बच्चों को बूस्टअप करने के लिए करते रहेंगे। गणित में कर रहे हैं तो गणित क्लास में प्रयास करें कुछ हम गणित से जुड़ी एक्शन सॉन्ग को बच्चे के बीच करें उस माहौल में। जब हिंदी कर रहे हैं तो प्रयास करें कुछ हिंदी से जुड़ी गतिविधि को बच्चों के बीच करें, ऐसा है। इसमें भी कुछ है कि बच्चों को हम राउंड में जो आप लोग सब कराते भी होंगे उसको, जैसे बच्चे को राउंड हम गोलाकार में बैठा दिए हैं, हम उससे कुछ कुछ गिनती पर खेल खेलते हैं। जैसे कि जैसे ही मेरा तीन आएगा बच्चे हाथ खड़ा कर देंगे, एक से शुरू करेंगे, एक दो तीन वाला कुछ नहीं बोलेगा स्टॉप, हाथ खड़ा कर देगा। फिर चार पांच छह वाला
हाथ खड़ा कर देगा। तो हर तीन जहां पर मेरा आएगा वहां पर बच्चे हाथ, जो बच्चा बोल देगा वो बच्चा आउट हो जाएगा। ऐसे गोलाकार में इस प्रकार गतिविधि वो लोग करेंगे और जो बच्चा आउट हो जाएगा वहां से फिर हम शुरू करेंगे एक दो से। तो इस प्रकार की गतिविधि हम बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चा काफी ध्यान से और सुनता है, बच्चे गलती नहीं करे, हाथ खड़ा करना है कि मुझे नंबर बोलना है। तो इस तरह की गतिविधि हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है एक और कि संख्या कूद। संख्या कूद होता है जैसे हमने ये गोटी वाला बताया उसी प्रकार से संख्या कूद है कि एक सर्कल हम बनाते हैं और सर्कल बना के इसी प्रकार से और दो बच्चे को उस सर्कल में खड़ा कर देंगे दो, और उन्हें हम एक नंबर बोलेंगे और वहां वो नंबर लिखा हुआ रहेगा उस पर कूदना है उसको दो बच्चों को। तो ऐसे ही सर्कल मान लीजिए बना हुआ है, इस बड़ी सर्कल में कुछ नहीं रहेगा, यहाँ बच्चे दोनों खड़ा रहेंगे और हम जिस बच्चे को इन बच्चों को जो नंबर बोलेंगे उस नंबर पे कूदेंगे, बोलेंगे चार तो इनको तुरंत चार खोज के वहां पे कूदना है। तो उस प्रकार से भी ये गतिविधि करते हैं ताकि बच्चे अंकों की पहचान, अगर संख्या देते हैं संख्या की पहचान उसको इससे बच्चों की होती है और काफी बच्चों की भागीदारी इसमें होती है। अगर ग्रुप में कर दें तो उस ग्रुप वाले काफी ध्यान सुनते हैं और देखते हैं कि मेरा जो ग्रुप से क्या उठी किया कि नहीं, और नंबर देते हैं ये ग्रुप में सही किया है एक नंबर, इसने नहीं कर पाया जीरो, फिर ग्रुप से दूसरे लोग आते हैं। तो इस प्रकार से भी हम संख्या कूद की एक खेल गतिविधि बच्चों के बीच करते हैं। आगे हम इसमें अगर देखा जाए तो कुछ बच्चों को एक दो तीन की गतिविधि है एक्शन सॉन्ग के माध्यम से सिखाते हैं, और कुछ है जो जोड़ की एक पद्धति है तीली बंडल के माध्यम से, वो काफी लंबा पद्धति है बच्चों को, वैसे भी हम जोड़ का जो गतिविधि तीली बंडल के माध्यम से सिखा सकते हैं या फिर कुछ वस्तु के माध्यम से शुरू में हम बच्चों को सिखा सकते हैं। उसको जो हम पद्धति बोलते हैं तीली बंडल की, वो अगर उससे सिखाते हैं तो बच्चे में एक फायदा होता है कि जब हासिल की बात आती है तो उस हासिल को वो अच्छी तरह से समझ पाता है। तो वो भी एक तरीका है जोर सिखाने का, और एक जो साधारण तरीका है अगर शुरू में सिखा रहे हैं तो एक लाइन वाली है कि हमें चार में तीन जोड़ना है, तो ये चार लाइन वाली ये तीन लाइन एक शुरू में ये है जो हम तिल्ली या किसी पत्थर या कोई वस्तु के माध्यम सिखा सकते हैं ताकि बच्चों को मालूम चले ये चार क्या, चार कुछ भी सामान होता है, कोई भी चीज होता है, ये तीन क्या कोई भी कुछ होता है, इसको जोड़ के कितना आता है। तो उस प्रकार से बच्चों को शुरू में हम कुछ कुछ वस्तु के माध्यम से सिखाएंगे, बाद में उसको फिर तिल्ली बंडल से भी सिखा सकते हैं, जो काफी हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। एक लंबा प्रक्रिया है तिल्ली बंडल की, जो आप लोग कर रहे होंगे कोई तो जानते होंगे, तो एक वो पद्धति है बच्चों के लिए। आगे गणित में हम लोग इतना कुछ, आगे हम लोग कुछ बात करते हैं अंग्रेजी के कुछ गतिविधि पर। गणित में कुछ और जोड़ना हो किन्हीं को या कुछ लगता है तो बात कर सकते हैं। सर टेबल्स के लिए कुछ हो सकता है क्या? टेबल्स लर्निंग के लिए टू थ्री, जैसे आप एक सर्कल का बता रहे थे कि सर्कल में बच्चों को बिठाते हैं तो उसमें जैसे स्किप काउंटिंग हो रही थी 3-4, तो अगर हम सबको एक टैग दे दें, मतलब नंबरिंग कर दें हर बच्चे की जितने बैठे हैं, और जैसे 3 की टेबल है तो 3 की स्किप काउंटिंग से जैसे अपन ने नंबर लिख दिया है 1, 2, 3, मतलब कैरी ऑन 30 तक, ऐसे 30 बच्चे बैठे हैं और 1, 2, 3 स्किप काउंटिंग किए तो 3 पे आया और बच्चे को पकड़ा दिया अपन ने कार्ड, तो वो अब इससे टेबल लर्न कर सकते हैं क्या? ये ऐसे हो सकता कर सकते हैं, टेबल का भी कर सकते हैं स्किप करके, ये सिर्फ गिनती में ही नहीं है उसमें भी हम कर सकते हैं टेबल में भी स्किप करके। हाँ एक्चुअली टेबल्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों के लिए, उस तरह के लेवल के बच्चों को भी थोड़ा हम देखेंगे, ध्यान में रखेंगे किस किसके साथ क्या कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस बच्चे के साथ हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टेबल थोड़ा जान रहे हैं, तो वैसे बच्चों को उस ग्रुप में सिलेक्ट करें थोड़ा सा, कुछ जो बच्चे अंक लेवल के उस बच्चों के लिए इस प्रकार की गिनती की सेटिंग ये एक्टिविटी को चयन करें तो वो ज्यादा खुल के पार्टिसिपेट। ओके थैंक यू राम। इसमें टेबल वाले में हम लोग बच्चे को एक गतिविधि हल्ला बोल पहाड़ा बोल वाली भी गतिविधि करवा सकते हैं, जिस स्तर के बच्चे हैं उनको अगर हम लोग बाइफर्केट कर लें कि मान ले जो नंबर रिकॉग्निशन वाले बच्चे हैं वो 2-3-4 के पहाड़ा बोल सकते हैं,
तो उनको दो तीन चार का पहाड़ा के माध्यम से हल्ला बोल पहाड़ा बोल वाली गतिविधि, जो संख्या पहचान में मान ले जो 11 से लेके 99 तक के बच्चे हैं, 10 से 99 के बच्चे हैं, उनको हम लोग थोड़ा ऊपर के टेबल को, और जो बड़ी संख्या जो मैंने मान लिया जाए 100 से लेके 999 तक के हैं, तो उनको बड़ी संख्या का, तो मैंने हमको लगता है कि पर डे अगर एक एक पहाड़ा या दो दो पहाड़ा हर एक लेवल के बच्चों को बोलने के उपरांत उनको बोल दिया जाए कि अपने अपने ग्रुप में आते जाते में हल्ला बोल पहाड़ा बोल की गतिविधि कर सकते हो, तो वो भी एक गतिविधि हो सकती है। जी सर जी, ये तो सर कई सारा गतिविधि है बच्चों, नहीं पहाड़ा से रिलेटेड जो प्रश्न आया वो उसको तुम ले सकते हो। जी सर, हल्ला बोल से कर सकते हैं, एक पहाड़े में झगड़ा भी जो होता है गांव देहात में, अगर बच्चों में थोड़ा मनोरंजन लाना है तो उसका भी गतिविधि है कि बच्चा करेगा, इस ग्रुप दो ग्रुप में खड़ा हो जाएंगे, एक ग्रुप है कि बोलेगा दो का दो, उधर का बोलेगा दो दुना चार, जो इतना उसे बोल रहा है दो तीन छह, ये बोला दो चौके आठ, ऐसे भी कुछ है पहाड़े का, तो उस झगड़ा हो रहा है कि ये जोर से बोल रहा है वो उस जोर से बोल रहा है, तो एक ये पहाड़े का खेल का माध्यम है, उससे भी खेल सकता है। जो सर आप बोले हल्ला बोल पहाड़ा बोल, वो भी एक एक्टिविटी है जो बच्चे का हम लोग कर सकते हैं। ये हल्ला बोल पहाड़ा बोल की जो मैंने हमारे जो अगर ज्ञान दूत गांव में जाते हैं और वर्ग अपने ज्ञानशाला को चलाने पूर्व, जैसे मान लगा 2 बजे से चल रहा है तो 1 बजे ज्ञान दूत पहुंचे गांव में घूम रहे हैं, तो दो दो बच्चे को लेके और वो बच्चे आपस में पहाड़ा बोलते हुए जो झगड़े वाली बात हो रही है कि जैसे हम बोले अजय कात्यायनी, हम बोल रहे हैं दो का दो, राम प्रसाद बोल रहा है दो दो नी चार, फिर तीसरा बच्चा दौड़ के आया वो 6 बोला, चौथा आया वो 8 बोला, तो इस तरीके से भी वो उसका बहुत सारे उसके फायदे हैं। एक तो बच्चों में जोश आती है, दूसरी चीज है कि बच्चों को पहाड़ा कंठस्थ होता है, तीसरी चीज है कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का ये बहुत बड़ा टूल है कि उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन, आसपास के अन्य बच्चे, युवा, सब लोग गांव में निकल जाते हैं, बाहर निकल के देखने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या, ये बच्चा लोग इतना चिल्ला क्यों रहा है, तो वो एक अलग मूवमेंट बनती है और उस मूवमेंट का यह फायदा होता है कि बच्चे सीख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और एक्टिविटी भी हो रहा है और साथ साथ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी हो रहा है, कम्युनिटी को हम अवेयर भी कर रहे हैं। जी, चलिए आगे राम प्रसाद। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ गतिविधि मैथ में लोग कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा इंग्लिश की 2-3 गतिविधियों को शेयर करना चाहेंगे हम लोग। तो जैसे अभी हम लोग गणित में कुछ बात किए, कुछ हम लोग अंग्रेजी में कुछ गतिविधि बच्चों को सिखाना है इंग्लिश में, तो उसके लिए हम लोग जो उसी प्रकार से कर रहे थे कि जब हिंदी का क्लास हो तो मुझे थोड़ा सा हिंदी से जुड़ी हुई कुछ गतिविधि एक्शन सॉन्ग करना है, जब मुझे गणित में हो तो गणित से जुड़ी कुछ गतिविधि या सॉन्ग करना, जब हम अंग्रेजी की क्लास बच्चों के साथ करेंगे तो अंग्रेजी के क्लास में भी बच्चों के साथ हम कुछ उससे जुड़ी ही एक्शन सॉन्ग बच्चों के साथ करें, और माहौल निर्माण की जो बात करते हैं उसमें कुछ उत्तराई गतिविधि को हम लें। जैसे सपोज की हम बात करते हैं, अगर हम क्लास शुरू कर रहे हैं कुछ चीजों के ऊपर एक्शन सॉन्ग करना है, तो हम बच्चों से एक चीज हम कर सकते हैं, जैसे कि हम उन्हें सिखाते हैं, अगर शुरू करते हैं लेटर से, तो लेटर का सेम है कि हम लेटर कार्ड के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं क्या उसी प्रकार से कि लेटर आओ, चलो उसमें से कुछ लेटर निकालो, हाँ ऐसा सिखाते हैं। अब हमें है कि कुछ बच्चों को अंग्रेजी का जो लेटर का पहचान है वो ABCD पढ़ाते हैं, ABCD का कुछ गीत भी है, उस गीत के माध्यम से ही बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, जो बच्चा जुड़ता है काफी मजा लेता है, जैसे ABC हाउ आर यू मौसी, ठीक नहीं ठीक नहीं ठीक नहीं रे, DEF हाउ आर यू फूफा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा रे, GHI हाउ आर यू भाई, ठीक नहीं ठीक नहीं ठीक नहीं रे, JKL हाउ आर यू गर्ल, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी रे। तो ये इस प्रकार की गतिविधि कुछ है जो इंग्लिश की क्लास में है, इंग्लिश के टाइम में ऐसे A से Z तक है, हर एक कुछ कुछ चीजें को हम लोग चेंज करते हैं, तो ऐसे कुछ गतिविधि हम लोग करते हैं जो ABC
ABCD जब पढ़ानी हो उसमें कुछ हम ऐसे कर लिए, माहौल का बना लिए। अब है कि कुछ लेटर कार्ड के माध्यम से बच्चों को हम बोले चलो लेटर पहचानते हैं, चलो आके हम लोग जैसे हम लोग हिंदी में किए उसी प्रकार से हम लोग बच्चों को इसमें भी करेंगे। कुछ लेटर कार्ड हमारे पास होगा और बच्चों से हम लेटर आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे। जब बच्चे लेटर आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो बच्चों को हमें क्या करना है कि इससे हमें कुछ गतिविधि और जोड़ सकते हैं। कुछ एक ड्राइंग के माध्यम से जैसे हम लोग नागू नाच क्या खाता है उसको किए थे, उसी प्रकार से हम बच्चों के साथ एक कर सकते हैं कि नाना जी का घर, तो हम एक घर यहाँ ड्राइंग करेंगे बच्चों के बीच हम जैसे बात करेंगे तो एक ऐसा हम एक घर बनाएंगे, ऐसे एक घर बनाएंगे और हम क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट आउट कर देंगे इस प्रकार से। तो मार्कर से बनाओ ना, पीछे बोर्ड है क्या कंप्यूटर? नहीं बोर्ड नहीं है, दीवार है। इस प्रकार से कुछ हम बना लेंगे, यहाँ हेडिंग दे देंगे हम इसको नाना जी का घर। ये क्या है कि उसे जब बोलेंगे बोलेंगे चलो अभी हमें घर तक पहुंचना है, तो घर से कैसे पहुंचे घर तक, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे हम जाने के लिए, हम ए से शुरू करेंगे जाने के। लेकिन ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, थोड़ा भी किसी रास्ते में सटोगे तो जा नहीं पाओगे। तो हमें ए से जाना है, फिर ए से हमें बी रास्ता पकड़ना पड़ेगा, फिर बी से मुझे सी का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, फिर मुझे डी का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो बच्चे इसी प्रकार से क्या करते हैं सिलसिले बार से ए से बी, बी से सी, सी से डी जुड़ते हुए जाते हैं और काफी सजग होकर खेलते रहते हैं और वो अक्षर को देखते रहते हैं कि ये किस इसके बाद हम किस लेटर में जाएंगे। तो ये एक पद्धति है जो बच्चे काफी सजग होकर खेलते हैं। इसको ग्रुप में बना दीजिए, ग्रुप एक्टिविटी हो सकता है, दो ग्रुप में ये ग्रुप वाला बच्चा जो है कौन आएगा, चलो इसमें से इसको जाना है कैसे जाएगा। तो ये है एक जो अंग्रेजी में हम लेटर आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो बच्चा इसमें भी अक्षर पहचानता है और आगे आगे बढ़ता है कि इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा। तो कुछ इस प्रकार की गतिविधि हम लोग कर सकते हैं बच्चों के साथ ये लेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए। कुछ चीजें और है जो हम लोग बात करते हैं कि बच्चों को हम जब कुछ सिखाते हैं, कुछ वर्ड सिखाते हैं, तो उसमें से हम लोग इस प्रकार की जो गभी हिंदी में हम लोग ने जो दिमागी कसरत किया था उसी प्रकार की माइंड मैपिंग एक्टिविटी हम इसमें भी करेंगे। इसमें हम बच्चों से कुछ लेटर ले लेंगे, बात करेंगे चलो आज हम लोग किस लेटर पे बात करते हैं, बच्चों से हम लोग बात करते हैं, बोर्ड पर हम लिखेंगे शिक्षक। सपोज कि मैंने यहाँ बी लिया, तो एक बी मैंने कैपिटल लिखा और यहाँ पर फिर मैंने स्मॉल बी लिखा। अब इसे मैंने ऐसे घेर दिया, बच्चे से पूछेंगे चलो ये क्या है, ये बी कौन वाली बी है, बड़ा बी, ये कौन वाली बी है, ये है छोटा बी। तो चलो अब हम लोग इस बी से कुछ शब्द बनाते हैं और शिक्षक कोई एक एग्जांपल लिख देंगे, सपोज बी ए टी बैट एग्जाम्पल। इसी प्रकार से कुछ हम लोग वर्ड बनाते हैं, चलो तो एक एक करके बच्चे को हम बुलाएंगे और बच्चा इसमें जो भी वर्ड लिखता है, अगर कोई बच्चा सपोज नहीं लिख पाता है तो उसके ग्रुप के बच्चे उसको सपोर्ट करेंगे और वहां से उससे बनने वाला शब्द उसको लिखेंगे, बैट बॉल बिग इस तरह से कुछ भी वर्ड जो आता है वैसे बच्चे बनाएंगे। तो इस गतिविधि से भी क्या है कि पूरे क्लास जो है उसमें बड़े ध्यान से देखता है और उसका ग्रुप वाइज जुड़ा होता है, कई सारे नए नए वर्ड सीखते हैं
वो कई अपने किताब घर जाके पढ़ के आते हैं कि आज हम हार गए, कल हम नहीं हारेंगे। तो वो किताब से लेके जाते हैं, घर से पढ़ के आते हैं कुछ चीजों को लेके, उसको हम होमवर्क दे देते हैं कि कल हम लोग एल पे बात करेंगे। एल पे बात करेंगे इसका मतलब वो एल से बहुत सारा वर्ड पढ़ के आता है कि कल हम लोग इसको बेहतर से करेंगे। तो एक ये माध्यम है कि बच्चों को हम कैसे और बिल्डिंग करें और बच्चे कैसे और ज्यादा वर्ड को सीख सके, कैसे अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें, वो जुड़े इससे। तो ये एक तरीका है बच्चों के साथ जुड़ने का। इस गतिविधि को हम लोग जैसे बड़े ग्रुप में बात कर रहे हैं, कुछ उसी प्रकार से इसको हम छोटे छोटे ग्रुप में बांट सकते हैं, अलग अलग लेटर देके, और उसमें से अलग अलग ग्रुप वाले अलग अलग लेटर से वर्ड बनाएंगे। हमारे शिक्षक उसको मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे कहाँ छूट रहा है, कहाँ नहीं बन पा रहा है, कुछ कुछ वर्ड उनको बताएंगे हम लोग उसी प्रकार से। और जो बच्चे ज्यादा वर्ड बनाते हैं, जो इसका करेक्ट होता है, उस बच्चे को हम लोग विजेता घोषित करते हैं। तो इस प्रकार की एक गतिविधि है माइंड मैपिंग इंग्लिश की, तो ऐसे इसको हम लोग करते हैं। अगला है कि बच्चे इस प्रकार के वर्ड जब सीखते हैं, जटक एक्टिविटी या वर्ड की एक्टिविटीज में सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं इस गतिविधि में। बच्चों को कई चीजें ऐसी है जो हम लोग वर्ड सिखाते हैं बॉडी पार्ट्स के बारे में, कि ये क्या है, नोज है, ये क्या है, आईज है, ये क्या है, हेयर है। तो इस तरह की गतिविधि के लिए हमने एक कुछ खेल के माध्यम से बात करेंगे। पहले हम बच्चों से चर्चा करेंगे, चलो आज हम लोग कुछ बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, ये क्या है, सही बच्चे को बताएंगे, ये हेयर है, ये क्या है, आई है, ये क्या है, ईयर है, ये क्या है, नोज है, ये क्या है, माउथ है। तो बच्चे से चर्चा करेंगे और हम टीचर जो है इन चीजों को सबके साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे शिक्षक। अब सही बच्चे को गोलाकार में खड़ा कर देंगे और शिक्षक भी जगह खड़ा हो जाएगा, बच्चे किसी गोलाकार में एक स्थान पे, और शिक्षक बोलेंगे अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया उस पर कि आज क्या देखा, आज क्या देखा। बच्चे बोलेंगे हमने क्लास में आज क्या देखा, अप देखा, डाउन देखा। बच्चे साथ साथ में बोलेंगे अप देखा, डाउन देखा, राइट देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा, लेफ्ट देखा, बच्चे बोलेंगे साथ साथ में। अब शिक्षक शुरुआत करेगा, आज मैंने क्लास में आई देखा, आपने क्या देखा। इस जो साइड वाला बच्चा उसको बोलेगा आपने क्या देखा, तो बच्चे ने बोलेंगे मैंने क्लास में नोज देखा, आपने क्या देखा। ये बोलेंगे मैंने क्लास में टीथ देखा, आपने क्या देखा। तो एक बगल को पास करते जाएंगे और जो हम बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं उस प्रकार से बच्चे क्या है कि उसको याद करने लगते हैं। इस गतिविधि दो तीन बार करेंगे तो बच्चे आगे रेगुलर करते रहेंगे तो बच्चे धीरे 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 उसको समझ जाते हैं कि ये नोज है, ये आईज है, ये माउथ है, ये टीथ है। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। कुछ और वर्ड बिल्डिंग करना है, ये हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात किया, हम लोग कुछ मार्केट की बात करते हैं, कुछ हॉस्पिटल की बात करते हैं, कई टॉपिक ले सकते हैं हम लोग, घर की टॉपिक को ले सकते हैं कि हमने घर में आज क्या देखा। आप पहले चर्चा कर लें, कोई भी चीज़ को करने से पहले उस टॉपिक के ऊपर टीचर सभी बच्चों के साथ चर्चा कर लेंगे, बात कर लेंगे। क्लासरूम में क्या देखा, ये क्या है, बैग है, ये क्या है, पेन है, क्या है, बुक है, ये क्या है, पेंसिल है, उन सब चीज़ों के, ताकि बच्चों को पता चले कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको डोर कहते हैं, इसको विंडो कहते हैं, इसको रूफ कहते हैं, इसको फैन कहते हैं, इसको लाइट कहते हैं। उसको जब टीचर एक बार अंग्रेजी में चर्चा कर लेंगे और जब शुरू होगा तो बच्चे उसको बोलते जाएंगे, जहां बच्चा रुकता है दूसरा बच्चा उसको हेल्प करेगा। तो अलग अलग दिनों में हम अलग अलग टॉपिक ले सकते हैं, उस गतिविधि को आगे बढ़ा सकते हैं। तो शुरू जब करेंगे इस प्रकार कर सकते हैं कि आज क्या देखा, आज क्या देखा, हमने क्लास में आज क्या देखा, अप देखा, डाउन देखा, आज देखा, लेफ्ट देखा। इस प्रकार से हम करेंगे और आगे ऐसे कराते जाएंगे। लास्ट जब गतिविधि खत्म होगा अंतिम बच्चे के बाद, तो फिर से करेंगे हम लोग कि आज क्या देखा, आज क्या देखा, हमने क्लास में सब कुछ देखा। ये गतिविधि सांस्कृतिक तरीका है जो हम विभिन्न विभिन्न टॉपिक को लेकर बच्चों को उस पर ज्ञान दे सकते हैं, उसको हम वर्ड सिखा सकते हैं। तो एक ये तरीका है बच्चों को कुछ वर्ड सिखाने का, और कई सारे एक्शन सॉन्ग भी है जिसमें बच्चे सीखते हैं। ये था इंग्लिश से कुछ दो तीन एक्टिविटी जो आपके साथ मैंने शेयर किया, कुछ गणित, कुछ हिंदी के। एक एक एक्शन सॉन्ग गा के बता दो राम। ठीक है, तो हम जो एक बोल रहे थे शुरू में एबीसीडी का, उसी कर देते हैं, पूरा बोल देते हैं। एक तो आज का देखा था, वो भी एक एक्शन सॉन्ग ही है। चलिए
ABC how are you mausi ठीक नहीं ठीक नहीं रे DEF how are you फूफा बहुत अच्छा रे GHI how are you भाई ठीक नहीं रे JKL how are you girl बहुत अच्छी रे MNO where do you go कहीं नहीं रे PQR how are you यार बहुत अच्छा रे STU what do you do कुछ नहीं रे VWX हो जा relax YUZ what have you read ABCD रे एक एबीसीडी का सॉन्ग है इसी प्रकार से और भी कुछ कुछ सॉन्ग है सभी में बहुत सुंदर बहुत जी तो आप बाकी जो हमारे मित्र हैं उनको उनका फीडबैक कैसा रहा और अगर आगे के दिनों में हम लोग रामप्रसाद जी को इस सेवा से जोड़े रहे हैं तो आप लोगों की अपेक्षाएं क्या क्या होंगी इनसे जानने की तो मुझे लगता है दो तीन लोग अगर बता दें फटाफट थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि वक्त भी हम लोगों के पास कम है सर नमस्ते सर बहुत ही अच्छा रहा सेशन और सर ने बहुत अच्छे अच्छे रोचक गतिविधियां बताई मुझे लगता है सभी ज्ञान दूत इससे सीखेंगे और अपने बच्चों को कराएंगे और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेंगे और सर हम चाहेंगे और भी आप ऐसे ही कुछ कुछ रोचक गतिविधियां कुछ नए टॉपिक्स पे सिखा के हमारा मार्गदर्शन करें और भी किसी को कुछ पूछना है सर से तो पूछ सकते हैं हेलो सर बहुत बहुत अच्छा रहा मतलब सॉन्ग्स भी हैं सब कुछ है उसमें गेम्स भी हैं एक्टिविटीज मतलब हर तरह से पूरा कर रहा है हर बच्चे का इंटरेस्ट कि किसी को अगर गेम्स खेलना है तो वो भी उसमें आ रहा है स्टोरीज हैं वो भी कवर हो रहे हैं पोएम्स भी कवर हो रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है ओवरऑल लर्निंग के लिए सभी सब्जेक्ट्स में तो ऐसे आप और भी एक्टिविटी मतलब और जो टॉपिक्स हैं और थोड़ा मतलब बच्चे किस स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा और एक्टिविटीज आप बताएंगे तो और भी अच्छा रहेगा अभी तो ये सब एक्टिविटीज पहले तो हम लोग करेंगे और मुझे लगता है जब बच्चों के साथ करते हैं तो वो और बताते भी हैं उनके खुद के आइडियाज भी आ जाते हैं कि ऐसा और करें या वो बताते हैं तो पहले तो हम लोग ये करते हैं और जब तक आप हमें और बताइए बताते रहिए आगे नई नई गतिविधियां थैंक यू सर धन्यवाद राम प्रसाद जी आपसे अपेक्षाएं इसी तरीके से हमारे मित्रों के सहयोगियों के और ज्ञान दूतों की बढ़ती रहेगी और इसी हिसाब से आपकी पूर्व तैयारी आपकी भी होनी चाहिए क्योंकि आशाएं जब बढ़ती है तो फिर वो विराम कहीं पे लगता नहीं है तो मैं ये प्रशिक्षण में सभी का आज्ञा लेते हुए मैं राम प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद और संस्था की ओर से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हम लोगों के लिए कुछ समय निकाला और राम प्रसाद जी काफी अनुभवी हैं और खास करके प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रारंभिक बच्चे जो स्तर के होते हैं वर्ग 1 से 5 तक के उनके साथ इनका मैंने फील्ड में एक्टिविटी और कंटेंट डिजाइन और ट्रेनर एज ए ट्रेनर के रूप में बहुत लंबा अनुभव रहा है ये प्रथम से भी जुड़े रहे और लगता है कि प्रथम में 6-7 साल अपनी सेवा दी उसके बाद अन्य संस्थाओं में गए और अभी ये चाइल्ड फंड में है और बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रसाद
और आभार भी प्रकट करता हूं मैं आपको। और आज सबसे खुशी की का दिन है मेरे लिए खासकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कुछ बोलना है राम प्रसाद तो आप बोल सकते। जी, बहुत धन्यवाद सर आपको, देवासी सर को, जो और भी हमारे जो साथी जुड़े उनके साथ बातचीत करने का, और जो मेरा अनुभव था कुछ शेयर कर पाए उनके साथ आज सबके बीच। और ये काफी फ्रूटफुल हो बच्चों के साथ जब वो करेंगे तो। आशा करते हैं अगर हम फिर अगर कभी जुड़े तो कुछ थोड़ा लंबा टाइम लेके कुछ एक दो सेशंस को उसी के फोकस करके हम लोग आगे ज्यादा चर्चा करेंगे। तो काफी धन्यवाद। जरूर जरूर, इस पे हम लोग आप तो तुमसे एक विषय वार थोड़ा मैंने व्यापक रूप से चर्चा करेंगे और इसको और कैसे उपयोगी और मनोरंजन पूर्ण बनाया जाए, इस पे हम लोग, हम और देवाश्री जी आप हमारे साथ संपर्क में रहेंगे और एक दो दिन में फिर हम आपसे बात करके कि और कैसे क्या किया जा सकता है। और इस दौरान आप भी कुछ सोचिए कि इसमें और क्या किया जा सकता है कि आपके भी इनपुट को लेते हुए हम लोग उसमें उसको एड ऑन करते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सभी साथियों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।